गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज ग्रामर रिवीजन फॉर योर FA2 एग्जाम. टिक द करेक्ट ऑप्शन. TICK टिक. THE द. COREECT करेक्ट ऑप्शन. OPTION. टिक द करेक्ट ऑप्शन. जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से जो सही आंसर है वो चूज करके आपको उस पर टिक करना है. ओके. फर्स्ट, माई मम्मी. MY MUMMY. माई मम्मी लव्स मी. LOVES लव्स. ME मी. माई मम्मी लव्स मी. इन दिस सेंटेंस आई एम इन. THI इज दिस. SENTENCE. इन दिस सेंटेंस फाइंड द पर्सन. FIND फाइंड. THE द. PERSON पर्सन. NAME नेम. माई मम्मी लव्स मी. ये सेंटेंस में आपको पर्सन का नेम ढूंढ रहा है. पर्सन का कौन पर्सन है? पर्सन मतलब हम सब पर्सन है, राइट? बॉय, गर्ल, मम्मी, पापा, टीचर, डॉक्टर, वो सब किस में आते हैं? पर्सन में, राइट? तो ऑप्शन ए LOVES लव्स. ऑप्शन बी MUMMY मम्मी. लव सही आंसर होगा? नहीं, क्योंकि वो डूइंग वर्ड है और मम्मी वो एक पर्सन का नेम है. लव नहीं होगा क्योंकि डूइंग वर्ड है. तो टिक करेंगे बी पे MUMMY मम्मी. सेकेंड, आई स्टीच क्लोथ्स. STITCH स्टीच क्लोथ्स. CLOTHES क्लोथ्स. आई स्टीच क्लोथ्स. हमारे कपड़े कौन सिलता है? टेलर की मैजिशियन. कौन सिलता है? मैजिशियन मतलब जो जादूगर, जो जादू दिखाता है हमें, वो हमारे कपड़े सिलते हैं? नहीं. टेलर, यस. तो टिक ऑन टेलर. थर्ड, आई टीच इन स्कूल. TEACH टीच. INSCHOOL स्कूल. आई टीच इन स्कूल. ड्राइवर और टीचर. कौन हमें स्कूल पे पढ़ाता है? ड्राइवर पढ़ाता है? नहीं, और पढ़ाता है टीचर. सो टिक ऑन बी. माई टीचर इज नाइस. INTHIS दिस. SENTENCE सेंटेंस फाइंड द पर्सन नेम. माई टीचर इज नाइस, उसमें से हमें पर्सन चूज करना है. ओके. तो ऑप्शन ए टीचर और नाइस, दोनों में से पर्सन कौन है? नाइस नहीं, टीचर, यस. आई शो मैजिक ट्रिक्स. ISHOW शो. MAGIC मैजिक. TRICKS ट्रिक्स. आई शो मैजिक ट्रिक्स. डॉक्टर और मैजिशियन. मैजिक ट्रिक्स हमें कौन दिखाता है? मैजिशियन, राइट? सो टिक ऑन मैजिशियन. सिक्स्थ, आई मेक ब्रेड एंड केक्स. IMAKE मेक. BREAD ब्रेड. ANDE एंड CAKES केक्स. आई मेक ब्रेड एंड केक्स. कौन बनाता है हमारे लिए, कौन बेक करता है ब्रेड और केक? टेलर, नो, वो कपड़े सिलता है. BAKE या बेकर, यस. जो बेकर होता है, जो वो हमारे लिए केक्स बेक करता है, राइट? ब्रेड बनाता है. सेवन, आई गिव मेडिसिंस. IGIVE गिव. MEDICINES मेडिसिंस. आई गिव मेडिसिंस. मेडिसिंस हमें कौन, जब हम बीमार होते हैं तब हम किसके पास जाते हैं? कौन हमें मेडिसिंस देता है? डॉक्टर. DOCTOR डॉक्टर. एट, वैन. WHE वैन. IWANT वॉन्ट. SWC वैन. आई वॉन्ट टू सी एन एनिमल्स. आई गो टू द. जब हमें एनिमल्स देखने होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? स्कूल में? नो, जू में, राइट? जू पे कौन होता है? एनिमल्स. नाइन, आई स्टडी इन द. हम स्टडी करने के लिए कहाँ पे जाते हैं? मार्केट की स्कूल? स्कूल, राइट? सो टिक ऑन बी. नंबर टेन, व्हेन आई एम सिक आई गो टू द. WHEN वैन. IAMMSICK सिक.
आई गो टू द, जब हम बीमार होते हैं तब हम किसके पास जाते हैं, कब हम कहाँ पे जाते हैं, गार्डन पे जाते हैं कि हॉस्पिटल, हॉस्पिटल राइट। सो टिक ऑन बी। 11, मदर कुक्स इन द एम ओ टी एच ई एम, मदर सी डबल ओ के एस कुक्स आई एन इन टी एच ई द, मदर कुक्स इन द, मम्मी खाना कहाँ पे पकाती है, पार्क में कि किचन में, किचन में राइट। नंबर 12, प्रीति कैन पी आर डबल ई टी वाई, प्रीति सी ए एन कैन आर आई डी ई राइड अ बाइसिकल, बी आई सी वाई सी एल ई बाइसिकल। इन दिस सेंटेंस वी हैव टू चूज अ स्पेशल नेम, ओके। सो ऑप्शन ए प्रीति और राइड, इस सेंटेंस में स्पेशल नेम कौन है, स्पेशल नेम मतलब लाइक कोई भी कैट होती है, कोई भी कैट या डॉग होते हैं, हमारा पेट होता है तो हम उसका एक नेम रखते हैं ना, तो वो हुआ स्पेशल नेम। जैसे हम लोग हैं तो हम जो गर्ल, जो जो लड़कियां है वो गर्ल्स है, ओके, लेकिन उसका कोई ना कोई नेम तो होगा राइट। तो गर्ल्स जो है वो कॉमन नेम है और उसका जो स्पेशल नेम होता है, लाइक मेरा नाम शिवंगी है तो वो मेरा स्पेशल नेम हुआ, मैं गर्ल तो हूँ लेकिन गर्ल कॉमन नेम है और शिवांगी स्पेशल नेम है। इसमें से स्पेशल नेम कौन हुआ, प्रीति कैन राइड अ बाइसिकल, राइड हम साइकिल तो कोई भी चलाता है राइट, लेकिन यहाँ पे प्रीति वो एक स्पेशल नेम है, वो साइकिल चला रही है राइट, तो प्रीति स्पेशल नेम है। 13, रोहनसन इज अ डॉक्टर, आर ओ एच ए एन रोहन एस ई एन सैन आई एस इज अ डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर, रोहनसन इज अ डॉक्टर। तो डॉक्टर तो बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन यहाँ पे स्पेशल नेम क्या हुआ, रोहनसन राइट, तो टिक ऑन रोहनसन। 14, गंगा इज अ लॉन्ग रिवर, जी ए एन जी ए गंगा आई एस इज अ एल ओ एन जी लॉन्ग आर आई वी ई आर रिवर, गंगा इज अ लॉन्ग रिवर। विच वर्ड इज स्पेशल नेम इन दिस सेंटेंस, इसमें से कौन सा वर्ड स्पेशल नेम है, लॉन्ग रिवर ऑप्शन ए लॉन्ग और बी गंगा। रिवर तो बहुत सारी होती है लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल नेम दिया है आपको वो क्या है, गंगा, ओके। फिर 15, आई कॉल माई कैट बिल्लो, फाइंड द स्पेशल नेम फ्रॉम दिस सेंटेंस, उसमें से इस सेंटेंस में से हमें क्या ढूंढना है, स्पेशल नेम, ओके। आई सी ए डबल एल कॉल एम वाई माई सी ए टी कैट बी आई डबल एल डबल ओ बिल्लो, आई कॉल माई कैट बिल्लो, सी ए डबल एल कॉल और बिल्लो, स्पेशल नेम क्या हुआ, बिल्लो। नंबर 16, माई पैरोट मिट्टू कैन टॉक, चूज अ स्पेशल नेम फ्रॉम दिस सेंटेंस, इसमें से स्पेशल नेम क्या हुआ, पैरोट, पैरोट तो बहुत सारे होते हैं हमारे आसपास, हम देखते हैं तो पैरोट फ्लाई करते हैं राइट, लेकिन यहाँ पे पैरोट का नेम क्या है, मिट्टू, वो क्या हुआ, स्पेशल नेम। सो टिक ऑन बी। 17, टिक द करेक्ट प्लूरल वर्ड, टी आई सी के टिक टी एच ई द सी ओ डबल आर ई सी टी करेक्ट प्लूरल वर्ड, मतलब एक से ज़्यादा जब होता है तो क्या होता है, प्लूरल राइट। जब कोई सिंगल होता है उसके लिए जब एक ही चीज़ होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर, उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर। सो इसमें से काइट्स और काइट दोनों में से हमें जो सही है प्लूरल वर्ड है वो हमें टिक करना है। तो देखो के आई टी ई एस, उसके पीछे एस लगा यानी कि एक से ज़्यादा होगा तो क्या हुआ, प्लूरल। और यहाँ पे क्या है, काइट मतलब एक ही काइट है तो वो सिंगुलर हुआ, तो प्लूरल क्या हुआ, काइट्स। 18, टिक द करेक्ट प्लूरल वर्ड, उसमें 18 में भी हमें प्लूरल वर्ड सिलेक्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे आपको दिए हैं गूज, जी डबल ओ एस ई गूज, और बी दिया है जी डबल ई एस ई गीज, तो उसमें से हमें क्या सिलेक्ट करना है, जो प्लूरल वर्ड है, गूज मतलब सिंगुलर, वो एक ही है, उसे उसके लिए हम उसका क्या बोलते हैं, गूज, और यहाँ पे है गीज, तो वो हुए प्लूरल, ओके। सो टिक ऑन गीज।
19. Tick the correct singular word. Tick the correct singular word. जो singular word है दोनों में से वो हमें टिक करना है. ओके, तो bottles. यहाँ पे पीछे s लगा है तो वो singular हुआ नहीं, मतलब एक से ज़्यादा है वो singular नहीं है. यहाँ पे दिया है बॉटल, यस, तो वो सिंगुलर है, एक ही है, एक ही बॉटल की बात हो रही है. देन 20. टिक द करेक्ट सिंगुलर वर्ड चाइल्ड और चिल्ड्रन. दोनों में से सिंगुलर कौन हुआ? चिल्ड्रन मतलब जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तब हम क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन. लेकिन जब एक ही होता है तब क्या बोलते हैं? चाइल्ड. तो चाइल्ड इज सिंगुलर एंड चिल्ड्रन इज प्लूरल वर्ड. ओके, नेक्स्ट 21. टिक द करेक्ट सिंगुलर वर्ड एफ डबल ओ टी फुट और एफ डबल ई टी फिट. उन दोनों में से हमें जो सिंगुलर है वो टिक करना है. तो फुट जब एक ही पैर फुट होता है ना हमारे पैर में, ओके, तो जब एक होता है तब उसके बोलते हैं हमें फुट, और जब एक से दो होते हैं तब हम क्या बोलते हैं? फिट. तो सिंगुलर वर्ड कौन सा हुआ? फुट, राइट. 22. Which word belongs to the she group? WHICH. Which WORD word BELONG belong? TO2. THE the SHE she GROUP. GROUP group. Which word belongs to the she group? She group मतलब she किसके लिए होता है? लड़कियों के लिए, yes. और ही किसके लिए यूज़ होता है? लड़के के लिए. तो यहाँ पे दो वर्ड दिए हैं उसमें से हमें जो शी जिसके लिए शी यूज़ होता है उस पर हमें टिक करना है. फर्स्ट SISTER सिस्टर. सिस्टर मतलब बहन. वो लड़की होती है, यस, तो वो किस में आएगी? शी ग्रुप में. सो टिक ऑन सिस्टर. ग्रैंडफादर GRANDY ग्रैंड FATHER फादर. ग्रैंडफादर वो किस में आता है? मेल होते हैं ना, तो वो बॉय होते हैं ना, तो वो ही ग्रुप में आते हैं, राइट. देन नेक्स्ट 23. विच वर्ड करेक्ट फॉर ही ग्रुप? HE ही ग्रुप. ही ग्रुप मतलब ही किसके लिए यूज होता है? जब कोई मेल होता है, बॉय होता है, उसके लिए, लड़का होता है, उसके लिए हम ही यूज करते हैं. ओके, तो टाइगर और टाइगरस, उसमें से मेल कौन है? टाइगर. और टाइगरस फीमेल हुई, तो ही किसके लिए यूज होगा? टाइगर के लिए, राइट. फिर 24. विच वर्ड बिलोंग्स टू द ही ग्रुप? फिर से जो ही ग्रुप में आता है, क्वीन और किंग. कौन आता है ही ग्रुप में? किंग, यस, वो मेल होता है, क्वीन फीमेल होती है. 25. टिक द करेक्ट वर्ड फॉर शी ग्रुप. इन दोनों में से जो सही वर्ड है शी ग्रुप के लिए उसे हमें टिक करना है. DAUGHTER डॉटर और सन. दोनों में से कौन शी ग्रुप के लिए सही है? डॉटर, राइट. लड़की होती है और सन मतलब लड़का, तो डॉटर हुई शी ग्रुप में और सन ही ग्रुप में आता है. ओके, गुड बाय.